एक बहुत बड़ा चित्रकार था, कृष्ण भगवान के मंदिर के पास से निकल रहा था तो कृष्ण भगवान के पुजारी आए और चित्रकार को हाथ जोड़कर कहा कि भैया आप बहुत बड़े चित्रकार हो, पूरे विश्व में जाने जाते हो, मेरी प्रार्थना है कि आप कृष्ण भगवान का एक चित्र बना दीजिए। चित्रकार ने कहा कि ऐसा कोई बच्चा लेके आओ जो कृष्ण की तरह लगता हो, सुंदर हो, नटखट हो, बाल स्वरूप का मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। ढूंढने के पश्चात एक बच्चा वैसा मिल गया, बहुत सुंदर था, बाल स्वरूप उसका बहुत बहुत ही आकर्षक था। उस बच्चे को लेकर चित्रकार ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया कृष्ण के बाल स्वरूप का। उस चित्र को देखकर पुजारी और मंदिर में जितने लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए और खुश हो गए। फिर उन पुजारियों ने कहा कि कृष्ण का तो चित्र बना दिया, अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि एक बुरे व्यक्ति अर्थात कंस का चित्र भी आप बनाओ। तो उसने वही चित्रकार ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति लेके आओ जो बुरा दिखता हो, कंस की तरह दिखता हो, अगर सामने हो तो उसका चित्र भी मैं हूबहू बना सकता हूँ। बहुत ढूंढा गया लेकिन वो कंस की तरह दिखने वाला व्यक्ति नहीं मिला, और जो मिले चित्रकार ने उन्हें पसंद नहीं किया कि कृष्ण कंस का चित्र मैं उस व्यक्ति को देखकर नहीं बना सकता। साल दर साल बीत गए, 25 साल बीत गए। 25 साल बाद वो पुजारी आए और उन्होंने उस चित्रकार को कहा कि एक बहुत दुर्दांत अपराधी जिसने बहुत मर्डर किए हैं, जिसने बहुत व्यभिचार किया है, जिसने बहुत सारे गुनाह किए हैं और उसे फांसी की सजा होने वाली है, उसे जेल में बंद किया गया है, उससे ज्यादा बुरा आदमी शायद हमारे इस भारत देश में नहीं है, आप उसका उसको देख लें फिर आप कंस का चित्र बना दें। चित्रकार को उस व्यक्ति के पास ले जाया गया और जब चित्रकार ने उसे देखा तो चित्रकार ने पसंद किया, हाँ ये व्यक्ति कंस के स्वरूप के बिल्कुल लायक है। उसे बिठाया गया, कंस का चित्र बनाया गया, देखकर लोगों ने आश्चर्य किया कि बड़ा गजब का चित्र बना है। जिसका चित्र बनाया गया वो व्यक्ति बोलता है कि साहब आपने मेरा चित्र क्यों बनाया, पहले किसी का चित्र बनाया? तो चित्रकार ने कहा कि हाँ हमने कृष्ण का चित्र बनाया था आज से बहुत साल पहले, एक छोटे से बच्चे का। तो उस अपराधी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं उस बच्चे का चित्र देखना चाहता हूँ जो आपने पूर्व में बनाया। जब उस बच्चे का चित्र उस अपराधी के सामने लाया गया तो वो फूट फूट के रोने लगा और उसने रोते रोते बखान किया, बयान किया कि ये जो चित्र है ये मेरा ही है, जो कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र जो है आपने बनाया वो मैं ही हूं। मैं ही छोटा था, बहुत सुंदर लगता था, बहुत आकर्षक था और आपने मेरा ही ये चित्र बनाया और आज बहुत बुरा आदमी मैं हो गया हूँ, कंस की तरह हो गया हूँ और आज आप मेरा ही चित्र बना रहे हैं, दोनों ही मैं हूँ, अर्थात कृष्ण भी मैं और कंस भी मैं। आप समझिए बात, हम सब के अंदर कृष्ण भी है। हम सब के अंदर क्या है, कृष्ण भी है और कंस भी है। बस कोशिश ये करिएगा कि कृष्ण अधिक समाये रहें और कंस के लिए जगह न मिले। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम तामसिक, सात्विक और राजसिक इन तीनों में से एक गुण को अपने अंदर बहुत ज्यादा आत्मसात कर लें, सात्विक गुणों को।